कि सामान्यतया हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे आदि शब्द आते हैं। वह समय के साथ से शब्द का प्रयोग होता है। तो तीन चीजें हमें मायने में रखनी कि सेंटेंस की एंडिंग पर इन शब्दों में से कोई भी एक शब्द आना चाहिए, चाहे रहा होगा, चाहे रही होगी, चाहे रहे होंगे, या हुआ होगा, हुई होगी, या हुए होंगे। लेकिन इन शब्दों के आ जाने मात्र से ये अनुभव नहीं होता कि टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, बिकॉज यही पहचान फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की भी है। लेकिन क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? फ्यूचर कंटिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस यह है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय भी आता है और समय के साथ से लिखा होता है। ये दोनों चीज, समय और उसके साथ में से, ये दोनों ही चीज फ्यूचर कंटिन्यूअस में नहीं आती। अंडरस्टैंड? इस जो टेंस है इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस सीखते हैं। इसमें अगर सब्जेक्ट आई या वी है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, शैल हैव बीन। आई और वी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? शैल हैव बीन। देयर आफ्टर वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विद आई एन जी, देन वी विल यूज ऑब्जेक्ट विच विल बी फॉलोड बाई सिंस और फॉर विच एवर इज एप्लीकेबल, एंड लास्टली वी विल यूज टाइम। करेक्ट? एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम 5 बजे तक 3 घंटे से, हम 5 बजे तक 3 घंटे से प्रश्न याद कर रहे होंगे। ये हमारा हिंदी का सेंटेंस है और हम इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेदर इट इज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और नॉट। हमने देखा लास्ट में लिखा हुआ है रहे होंगे, यहां भी लिखा हुआ है रहे होंगे। दूसरी चीज देखते हैं समय, समय समय लिखा है 3 घंटे और समय के साथ से। तो तीनों चीजें क्लियर होगी, तीनों चीजें सेंटेंस में है। इट मींस हम इस टेंस का जब ट्रांसलेशन करेंगे तो वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगती है। राइट? चलिए हम बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम की इंग्लिश दैट इज वी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, शैल हैव बीन। पहचान का शब्द है रहे होंगे, इसको हम हटाएंगे और लिखेंगे याद करने की इंग्लिश, वो क्या आएगी? लर्निंग। प्रश्न का लिखेंगे क्वेश्चंस से के लिए सिंस या फोर, दोनों में से कोई एक आता है। अगर समय की अवधि दी हो तो फोर, और पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो मतलब निश्चित समय दिया हो तो सिंस। तो यह अवधि दे रखी है कितने घंटे? 3 घंटे। तो क्या लगाएंगे हम? फोर। 3 घंटे के लिखेंगे 3 hours। आगे बढ़ते तक, तक के लिए आएगा बाय, और 5 बजे के लिए 5 o'clock। हो गया सेंटेंस क्लियर? सबसे पहले हमने पहले वर्ड की इंग्लिश लिखी, आई और वी के साथ भी जनरली यूज शैल हैव बीन, सो वी रॉट शैल हैव बीन। देयर आफ्टर जैसा कि हम बाकी टेंसेस में कर रहे थे, लास्ट के वर्ड की इंग्लिश लिखी, याद करने को कहते हैं लर्न,
आईएनजी लगाया तो डनी। देर आफ्टर प्रश्न, इसके लिए का क्वेश्चंस, से के लिए फॉर, क्योंकि तीन घंटे हैं वो समय की अवधि है, तीन घंटे के लिए थ्री, आज तक के लिए बाई, और पांच बजे के लिए फाइव ब्लॉक। इस टेंस से संबंधित क्वेश्चन एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, जिनमें हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी होती है। जैसे यहां पर खालिस्तान होता, यहां पर होता खालिस्तान, और यहां ब्रैकेट में लिखा होता ना। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी सेंटेंस में सिंसिया फॉर हो, क्या हो सिंसिया फॉर, और उसके साथ में हो कोई भी टाइम, निश्चित या अनिश्चित, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। सिंसिया फॉर और उसके बाद में टाइम, प्लस बाई हो और बाई के साथ में फिर टाइम हो, दो चीजें ध्यान रखनी है। सिंस फॉर प्लस टाइम एंड बाई प्लस टाइम, अगर दोनों चीजें आपको मिल रही है सेंटेंस में, इट मींस आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स का यूज करते हुए ही खाली स्थान को भरना है। तो हमने देखा वी के साथ क्या आता है, शैल हैव बीन, क्लियर, और नन के साथ क्या लगेगा, आईएनजी, बिकॉज हमने ये सब बातें क्लियर कर ली है ऑलरेडी कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेज है उन सब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, क्लियर। ये जो बात मैंने बताई है कि सिंस फॉर के साथ टाइम और बाई के साथ टाइम, यही इस टेंस की इंग्लिश में पहचान है। कोई पर्टिकुलर वर्ड से नहीं है जिनको देख करके हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि दिस टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड जस्ट बाई ऑब्जर्विंग सम गिवन वर्ड्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्लियर। हम इसका एक सेंटेंस और बनाते हैं सो दैट ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर एंड नथिंग विल बी कंफ्यूजन विच इज इन आवर माइंड। चलो एक सेंटेंस देखते हैं। वह 2021 तक, वह 2021 तक चार वर्ष से गुजरात में रह रहा होगा, ठीक है। लास्ट में देखा रहा होगा, इसको हटाएंगे, पहचान है, समय दे रखा चार वर्ष और साथ में क्या दे रखा है, से। हम इसको कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले ही के साथ क्या आएगा, विल हैव बीन, रहने के लिए क्या आएगा, लिविंग, मैं के लिए इन, गुजरात के लिए गुजरात, से के लिए चार वर्ष, अगेन चार वर्ष दिया है, दैट इज पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय नहीं है, इसलिए वी विल हैव टू यूज फॉर। चार वर्ष के लिए फॉर इयर्स, तक के लिए बाद 2020, वह 2021 तक चार वर्ष से गुजरात में रह रहा होगा। इस सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं कि जब 2021 आएगा, मीन जब ईयर 2021 आएगा, तब तक उस व्यक्ति को गुजरात में रहते हुए कितना समय हो गया होगा, चार वर्ष, ये इसका मीनिंग है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी पैटर्न पर आधारित आते हैं। यू विल हैव टू कीप दिस इन योर माइंड, क्या है पैटर्न, सिंस या फॉर प्लस टाइम एंड बाई प्लस टाइम, क्लियर। इज देयर एनी कन्फ्यूजन, आई थिंक देयर इज नो स्कोप ऑफ कन्फ्यूजन एंड एवरीथिंग इज क्लियर।
जैसा कि मैंने बताया आई और वी के साथ क्या आता है, शैल हैव बीन, तो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, विल हैव बीन, तो उसका पैटर्न भी आप लिख सकते हैं। दूसरा पैटर्न होगा कि अगर सब्जेक्ट हो आपका यू, दे, ही, सी, इट, नेम और अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इनके साथ आएगा विल हैव बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देयर आफ्टर सिंस और फॉर प्लस टाइम, दैट्स ऑल, क्लियर। बस आपको तो ये ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ वी यूज शैल हैव बीन और बाकी सभी के साथ विल हैव बीन। बट एक चीज और है, कौन सी मैंने बताई थी आप, कि अगर सेंटेंस में डिटर्मिनेशन हो, प्रोमिस हो या थ्रेट हो, तो ये तो सिस्टम मैंने बताया है हेल्पिंग वर्ब्स का, वो उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे, आई और वी के साथ वी यूज विल हैव बीन और बाकी सभी के साथ शैल हैव बीन। बट नॉर्मल केसेस में, इन नॉर्मल केसेस वी यूज आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल हैव बीन और बाकी सभी के साथ विल हैव बीन। इज इट क्लियर। चलिए अब हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस, क्या देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इसका पैटर्न देखते हैं, इसका पैटर्न देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट देन शैल नॉट हैव बीन। आप याद रखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस है जिसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे बड़ी होती है, बिकॉज इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब में थ्री वर्ड्स है। द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दिस टेंस कंसिस्ट्स ऑफ थ्री वर्ड्स, थ्री कौन कौन से, शैल, हैव, बीन, थ्री वर्ड्स, अगेन विल, हैव, बीन, थ्री वर्ड्स। मीन दिस इज द ओनली टेंस इन इंग्लिश ग्रामर जिसकी हेल्पिंग वर्ब में कितने वर्ड्स होते हैं, थ्री वर्ड्स। ओके, शैल नॉट हैव बीन और विल नॉट हैव बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैन वर्ब विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देयर आफ्टर सिंस या फॉर, एंड लास्टली वी शुड नॉट फॉरगेट टू यूज चाय। क्लियर। अफर्मेटिव में और इसमें यही फर्क है कि शैल और विल के बाद क्या आ गया है, नॉट, बस बाकी तो एवरीथिंग इज एज यूजुअल जस्ट लाइक अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिएगा, राजेश 4 घंटे से अपने घर को सजा रहा होगा। पहचान देखते हैं, लास्ट में आ गया रहा होगा। राजेश 4 घंटे से अपने घर को नहीं सजा रहा होगा, क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं किसकी, नेगेटिव सेंटेंस की। ओके, तो रहा होगा आ गया, इसके अंदर टाइम आ गया और ये से भी आ गया। बनाते हैं, सबसे पहले लिखेंगे राजेश विल नॉट हैव बीन आएगा इसके साथ, बिकॉज राजेश इज द नेम ऑफ ए पर्सन। विल नॉट हैव बीन, सजाने को क्या कहते हैं, डेकोरेट, तो क्या जाएगा, डेकोरेटिंग। नहीं के लिए नॉट ऑलरेडी आ चुका है, घर को
अपने घर को, अपने घर के लिए क्या आएगा, ईच हाउस, होम भी लिखा जा सकता है, और चार घंटे के लिए क्या आएगा, चार घंटे से, फोर फोर आवर्स, क्लियर। तो इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस भी बड़े इजी वे में बना सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, दैट इज ओनली ऑफ नॉट। इफ वी यूज नॉट आफ्टर शैल और विल, दैट मीन्स नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम इनके बाद नॉट नहीं लगाते हैं, दैट मीन्स इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। रही बात इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में शैल और विल दोनों को हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। और इसी के साथ हमने इंग्लिश का जो टॉपिक है विच इज नेम्ड एज टेंस इज कंप्लीटेड। आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। हम इसके बाद इंग्लिश के बाकी और टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।